ये वाले कपड़े पहनाने वाली हूँ क्योंकि आज मैं शादी में जा रही हूँ। रात का भी सीन है, पता नहीं क्या रहेगा। क्यों रे यार, पहले बताना चाहिए था ना। अब स्मार्ट लग रही है। तो मम्मी ने आज ऑलरेडी कटहल उबाल के रखी हुई है और मैंने अभी ये जूस बना दिया है और रायता भी रेडी कर दिया है एकदम, और साइड में बन गई है हमारी कटहल की सब्जी। तो आज मैं रेसिपी नहीं दिखा पाई। शादी में जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक सेट है पैंट का और उसका, क्योंकि इसके फ्रॉक जो हैवी वाले हैं वो भी डिलीवर नहीं हुए हैं, तो मेरे पास अभी यही ऑप्शन बचा है। मैंने हॉपस्कॉच से लिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न है इसका, ग्रीन और इस तरीके का कॉम्बिनेशन है ये। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ, बट अगर मुझे लगा कि ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद गर्मी लगेगी रूरू को इसमें, तो फिर मैं उसे पहना के देखूंगी, वो पहनेगी तो ठीक है, वरना कुछ और पहना लेंगे। तो मुझे लगा कि शायद रूरू को उस ड्रेस में गर्मी लगेगी, तो मैंने अभी उसका ये फ्रॉक निकाला है जो कि मैं उसके बर्थडे पर लेकर आई थी। उसकी नानी ने दिलाया था ये वाला फ्रॉक, बहुत ही प्यारा है ये। अभी रूरू ने सिर्फ एक ही बार पहना है, वो भी थोड़ी सी देर के लिए। इस बार आपको बताइए, हम रूरू का बर्थडे नहीं मना पाए थे क्योंकि उस टाइम पर बाबा की डेथ हो गई थी। तो यह है रूरू का क्यूट सा वो फ्रॉक जो मैं सोच रही थी कि रूरू को पहना देते हैं। चलो देखते हैं, उसके पापा से पूछती हूँ वो पहनाऊँ कि ये पहनाऊँ। बच्चों को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो चलो देखते हैं, शायद ये वाला पहना देंगे। सो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अभी वीडियो जो है थोड़ा जल्दी फिल्म किया है, क्योंकि शाम को मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और उस टाइम फिर लेट भी होगा, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वीडियो फिल्म किया है। एंड ये लुक काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका गेट रेडी विद मी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। मैं दिवेश से पूछती हूँ कैसा लग रहा है, चलो देख के आते हैं। यहाँ आने के लिए पहले आप ये कैसा लग रहा है, ये पहन लो या ज़्यादा हो जाएगा? पहन लो। सही लग रहा है? हाँ, पर कहाँ पहन रही हो? अरे शाम को शादी में नहीं जाना। अच्छा सर, उसका पर ये है, शादी का ही सीन चल रहा है कि उसके यहाँ से ना मतलब ज़्यादातर मतलब जेंट्स जा रहे हैं, मतलब फीमेल नहीं जा रही है उसके यहाँ से। तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी अभी पता चला है, तो तुम देखो अब कंफर्टेबल रहोगी तुम लोग, क्योंकि रूरू भी रहेगी और काफी दूर भी है ना। और फिर यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर जाना है, और फिर उसके बाद रात का भी सीन है, पता नहीं क्या रहेगा कि वहाँ से हम सुबह ही आएंगे उसके भाई के साथ ही। आई थिंक रूरू दुखी हो जाएगी, तो रूरू को दिक्कत। तुमने ये तो नहीं बताया था मुझे कि हम सुबह आएंगे। नहीं, ये अभी मुझे पता चला है, मुझे भी जो बताएगा मैं बोलता। यार तो तुम्हें बताना चाहिए ना, फिर मैं तैयार नहीं होती इतना। तो कोई अभी ये है कि अब तुम देख लो, अभी मैं थोड़ी ये थोड़ी कह रहा हूँ, बच्चा तुम अगर मन कर रहा है चलो। नहीं, मैं मन की बात नहीं है ना, मैं परेशानी हो जाऊंगी जब तुम कह रहे हो वहाँ कोई औरत भी नहीं जा रही, तो मैं करूंगी क्या वहाँ अकेले अकेले? फीमेल कम जा रही है, एक आधी कोई जाएगी मुश्किल से, और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। हाँ, अरे यार पहले बताना चाहिए ना। देख लो तुम्हें अगर तो अच्छा लगे तो चलना है, तो कोई बात नहीं यार। अब क्या, अब क्या जाऊंगी, फिर रूरू भी परेशान हो जाएगी। अच्छा खाना खा लो, अभी आ रहा हूँ। दिमाग खराब करते रहते हो, ये गलत बात नहीं है। क्या गलत बात है भाई, मेरे को भी अभी पता चला है यार। मेरे को अभी पता चला, मैं पूरा तैयार हो गया, मैंने पूरा वीडियो बना दिया, और अब तुम कह रहे हो कि वहां पे ऐसे तो सीन है, पहले बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, होता रहता है। अच्छा अभी मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मत चलो, मैं तो कह रहा हूँ चलो। नहीं यार, मैं जब तुम कह रहे हो कोई जाने, तो मैं अकेली हूँ, बेवकूफ सी लगूंगी बैठे हुए। व्हाट्स द पॉइंट, वो तो तुम वैसे भी लगती हो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा सुनो, फिर तुम एक काम करो, अब तुम तैयारी कर लो लेह लद्दाख की। ये मैं लेह लद्दाख पहन के जाऊंगी, ओके? वहाँ वादियों में आप मुझे इस लहंगे में देखेंगे। नहीं पता, पैकिंग वैकिंग कर लो, पता है बहुत सारी चीजें हैं, पूरा लिस्ट बना लो, मैं तो बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, दो तीन गाइस, हम दो तीन दिन में लेह लद्दाख जा रहे हैं, अब दो या तीन जाए। पता कितनी मेहनत लगी है इसमें, कितनी तो वीडियो बन गई ना। स्टिल यार, मतलब मैंने सोचा था कि मैं, चलो अब मैं सोच रही हूँ मैं करवा चौथ पे पहन लूंगी, तो तू चलो, मैं को मना कर रहा हूँ। नहीं यार अब नहीं जा रही। अच्छा चलो, दिमाग मत, अब मेरा दिमाग खराब करो बस, बहुत आ जाओ बना के देती हूँ। अरे यार पहले बताना चाहिए था ना, अब क्या करूँ मैं तो रेडी हो गई थी पूरी। चलो कोई बात नहीं, लुक तो क्रिएट हो ही गया इस बहाने, और काफ़ी सुंदर लग रहा है वैसे देखने। मैं सोच रही हूँ करवा चौथ पे पहन लूँगी इसको। चलो, अच्छा खासा लुक है, एकदम प्यारा सा प्रिटी सा लग रहा है। तो इसका गेट रेडी विद मी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चलो यार निकालते हैं, खाना बनाते हैं। बताते तैयार होते हैं ना, तो थोड़ा सा दुख होता है कि, और किसी चीज़ के लिए आप सोच लो कि यार मैं वहाँ जाऊँगी और तैयार होके, तो गुस्सा आता है फिर। चलो जल्दी से उतारते हैं सबको, बड़ा ही प्यारा लग रहा था यार।
वैसे मुझे इतना भी ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है क्योंकि ये सब काम मैं रोज़ ही करती हूँ, तैयार होना और ये सब करना और फिर सब हटाना मेकअप। पर मन में सोच लेता ना इंसान के बहुत दिनों बाद किसी शादी में जाएंगे, बट मुझे आइडिया नहीं था कि उस शादी में ऐसा कुछ सीन भी है। इनफैक्ट मैंने तो रूरू के लिए भी कपड़े निकाल कर रख लिए थे, नकली जूड़ा भी निकाल देते हैं बालों में से, ये मेरे बहुत काम आता है। आई थिंक मैं अपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, मैं ये जनरली लगाती हूँ बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल, ज़्यादा जूड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल ऐसे अंदर लगा। वैसे आउटफिट तो मुझे दोबारा पहनना ही पड़ता थोड़ी देर बाद क्योंकि मैं निकालती डेफिनेटली खाना बनाने के लिए, रूरू को तैयार करने के लिए, बट चलो कोई नहीं। वैसे मुझे अभी दो तीन वीडियो शूट करने हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मेकअप नहीं हटाती हूँ और वो कर लेती हूँ पहले, तो इतनी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। चलो मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। मैंने चेंज कर लिया है, अब चलो जल्दी से जाके कटहल की सब्जी से रोटी बनाते हैं, सर को खिलाते हैं क्योंकि फिर उन्हें निकलना भी है थोड़े टाइम बाद क्योंकि बारात निकलेगी। चलो ओए ओए डलिया वाले बच्चे, ओए डलिया रूरू बेटा ये क्या हो रहा है? मिष्टी मिष्टी टोकरी वाली। अच्छा दोरो सब सामान फैलाए हो नमकीन मारा दी है ले गए यहां से टेबल पर दे जल बेरी कट कट में जी पूरा ना बजना रहे। अच्छा 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 सर पे पहन लो, सर पे छपी पहन लो, यहां पहन लो, सर पे पहन लो बेटा, चल भी पहन लो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड रूरू। आप तो वो अच्छा पीकाबू खेलना है, पीकाबू एक बार और पीका पीकाबू ओए ओए पीकाबू पीकाबू रूरू आप नहीं जा रहे हो शादी में, हम दोनों नहीं जा रहे हैं, हमारा कैंसिल हो गया है। मैं और रूरू जा रहे हैं, मम्मा नहीं जा रही। अच्छा रूरू को लेके जा रहे हो, ठीक संभाल लोगे रूरू को तुम? यस। चलो ठीक है तो फिर आज यही सही है मम्मी, इसे और रूरू को भेज देते हैं। क्या कहती हो जाओगी वहां पे शादी घुमक्कड़ बच्ची? तो चलो खाना बनाने का टाइम हो गया है और दिवेश अभी नौटंकी करने लग रहा है यहाँ पे खड़ा होके। तो अभी मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ सबके लिए, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा काम बाकी है, मुझे थोड़ा सा शूट भी करना है साथ साथ। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पे, लगभग मैंने आज आपको बताया था कि मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई है, सैलेड मैंने पहले ही काट के रख दिया था और आटा भी पहले मांड दिया था, तो बस अब रोटी बनाने का टाइम है। और इसके बाद मुझे थोड़ी सी एडिटिंग और करनी है क्योंकि शैम्पू जाएगा दिवेश के साथ और दिवेश को भी रेडी करना है अभी। गया रूरू का नाई नाई टाइम और आजकल रूरू ये वाले टॉयज से बहुत खेलती है नहाते हुए स्पेशली, और उसे चलता हुआ पानी पकड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है आजकल। तो नई नई हरकत रोज़ करती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कोई ग्रो हो रहा है आपके सामने। तो क्योंकि हमें लेह लद्दाख जाना है तो उसकी वजह से मैं दिन में तीन तीन चार चार वीडियोज़ फिल्म कर रही हूँ। रूरू भी शो के होती है, रूरू बेबी क्या बात है क्या बात है, पापा ने हमें डिच कर दिया, पापा हमें शादी में नहीं लेकर जा रहे हैं, क्या करेगी उड़ी। इधर देखो इधर देखो इधर देखो क्यूटी, मम्मा कुछ खिलाएगी अपने बेटे को। चलो 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 चलो
ओए किधर चला, किधर चला, आ जाओ रूरू रूरू। तो मेरा बचा हुआ वीडियो शूट खत्म हो चुका है और अब मैं दिवेश के कुर्ते पे प्रेस कर रही हूँ। ये वही वाला कुर्ता है जो दिवेश ने प्रिया के एंगेजमेंट पर पहना था। दिवेश को न जाने क्यों इतना ज़्यादा पसंद है, मैंने बोला भी इसमें बहुत गर्मी लगेगी बट स्टिल उसको यही पहन कर जाना था, तो मैंने यहाँ पर पूरी प्रेस कर दी है। अब मैं दिवेश को देके आती हूँ। स्मार्ट पतला भी हूँ हो जाऊंगा आज जितना जो कुछ खा सकती हूँ खा लो, आज तुम्हें छूट है खाने पीने की, मेरे से कुछ मन नहीं है बाहर कल से, लेकिन सब बंद है तुम्हारा तुम्हारा भी। देखो मैं तो कर लेती हूँ, तुम अपना सोचो। नहीं पुशअप चैलेंज तो मैं भी कर लेता हूँ, खाने पे कंट्रोल, मैं खाने पे कर लेती हूँ ना, मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ बात वही ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को पुश कर, सब कपड़े अपड़े निकाल के यहीं फेंक देते हो, ये धूप में खड़े होने की क्या जरूरत है, बड़ा लग रहा है मस्त। काले जा रही है इसे, काले जाएगी इसे किसका आगे, पलट दो। तो शादी में जाने से पहले इन लोगों ने बनाना शेक पिया है क्योंकि अभी इन्हें घुड़चड़ी पर डांस करना है, तो उसके लिए इन्हें गर्मी लग रही थी तो अभी बनाना शेक पी कर गए हैं लोग। और रूरू ने भी यही पिया और ये मैं पी लेती हूँ अब। पापा को एंड टाइम पे सारे काम याद आते हैं। क्या टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं, बुझो करो आजा गाड़ी साफ कर रहे हैं। रूरू देख रही हो पापा को, फ्लाची रूरू को, फ्लाची रूरू को बताओ कौन सा, ये वाला, नहीं 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 आपको चाहिए, देखो मम्मा देगी छोटा वाला फ्लाची, ऐसे लो फुलवारी दिखा दो, फुलवारी हमारे साथ जो धोखा हुआ है ना उसका बदला लेंगे हम। मना कर रहे हैं, हम बदला लेंगे उसका। चलो अपनी बेटी को ले जाओ, यही बात हम तेरे से आके कहेंगे, हमारे साथ जो धोखा हुआ है इसलिए नहीं जा रही मैं कह रही हूँ तुम लोग ऐसा करो बस रूरू को ले जाओ, मैं और मम्मी मस्त रहेंगे यहाँ पे, ले जाओ इसको। क्या देख रहे हो, पापा की गाड़ी देख रहे हो, गाड़ी जा रही है, रूरू नहीं जा रहा है, जैकेट नहीं, ऐसी अच्छा लग रहा है, गर्मी हो रही है, हाँ वहाँ पे डाल लियो पर अभी सही लग रहा है जी। बेटा जो तुम लोग जा रहे हो ना सब इकट्ठे होके, अभी बारात गई तो निकल लो।